हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। वेलकम है आपका अपने ही चैनल में। तो मित्रों देखिए, आज मैं निकल पड़ी हूँ रात को 9:30 बजे अपने मम्मी भाई और पीहू के साथ, और रात को हम लोग नाइट में इंजॉय करने निकले हैं, क्योंकि हमने सोचा चलो घूम के आते हैं। खाना पीना तो हमारा निपट गया था और बस मार्केट एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये देखिए, ये कहाँ की मार्केट है आप मुझे कमेंट्स में बताना जो यहाँ रहते हैं। वैसे मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, ये देखिए, ये है रिसाली चौक जहाँ पे मेरा घर है, और बस उसी के पास का ही मार्केट है ये। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये DPS चौक के पास इतना सजावट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो शनि मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, उसमें है 6 तारीख को भंडारा, तो शनि जयंती है, इसलिए इतनी सजावट हो रखी है। और यहाँ पर हम आएंगे सैटरडे को, शनि जयंती में आएंगे भगवान की पूजा करने के लिए। तो मैंने बोला चलो आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सजा था। और हम ये देखिए आगे बढ़े तो ये कहाँ का रोड है आपको समझ आ रहा है? जी हाँ, हम पहुँच गए सिविक सेंटर। तो सिविक सेंटर वाला जो रोड है वहाँ पे हम जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है ये रोड मुझे, बहुत ही मतलब पीस, बहुत ही पीसफुल एरिया होता है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ते बढ़ते अब हम सेक्टर 6 की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें काम करना है अपना, वो चीज भूल गए। और ये नानी और ये मैं, नानी ये आगे का नजारा है, और पीछे का नजारा भी अलग ही है, जैसे ही होता है। ये सब काम कर रहे और मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, वो जो जंगलों में वाइट चीज दिखाई दे रही है वो आत्मा एक थी। तो भाई रुक कर काम कर रहा था, उसे ऑफिस में कुछ सबमिट करना था, तो इसलिए हम उसके ऑफिस जा रहे थे। और ये देखिए, सेक्टर 6 से होते हुए हम जाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। जब भी मैं आती हूँ ना तो भाई ऐसे ही करता है, रात को निकल जाते हैं। तो हमने बोला चलो अब आए हैं, इतनी रात को 10 बज रहे थे लगभग, तो ऑफ़िस घूम कर आते हैं, फिर कहाँ मौका मिलता है ऐसे ऑफ़िस ऑफिस घूमना, तो नहीं हो पाता है। तो ये देखिए, पीहू को मज़ा आ रहा था, वहाँ छोटे छोटे टॉय दिख गए थे, वो बस वो अपना जो चीज़ था सबमिट करने आया था सबमिट कर दिया था। अब हम निकल रहे थे ऑफिस से, और फिर पीहू के लिए ये देखिए चटर पटर लेने लगे, क्योंकि इसका जो आइटम है ना ख़त्म हो जाता है, और घर में अगर बच्चा हो ना तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा खर्च होनी होनी है। हम तो नहीं खाते, पर बच्चों को चिप्स बिस्किट और मिक्सचर जो जो वो खाती है, डार्क फैंटेसी सारा चीज़ है ना, सब ले लिए। और उसके बाद आगे बढ़े, ये देखिए हम जा रहे हैं आगे। तो आगे जा रहे थे तो मम्मी बोली चलो आम ले लेते हैं, तो बस आम लेने लगी मम्मी। तो आम वगैरह, क्योंकि पीहू को आम बहुत पसंद है, कोई फल उतना शौक से नहीं खाती है, आम बहुत अच्छे से खाती है। और देखिए ये जो है सुपेला का नया अंडर ब्रिज बना है, बहुत ही सुंदर है, अभी बहुत ही नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा, और बहुत अच्छा इसमें जो है ना पेंट किया गया है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये अंदर घुसते हैं ना इस तरफ तो बहुत प्यारा लगता है। कमेंट्स में बताना कौन कौन यहाँ पे आया है। मैं तो जब से आई हूँ तब से इस अंडर ब्रिज में तकरीबन 4-5 बार आना जाना मेरा हो चुका है, और रात को तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरी लाइट चली रहती है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस अब हम वापस जाने वाले हैं घर को, क्योंकि सारा घूमना फिरना हो गया, काफ़ी देर तक हम लोग घूम लिए, इंजॉय कर लिए, और ये देखिए अब वापसी का टाइम हो गया है। वापस हम सब जगह से घूम कर पहुँचने वाले हैं रिसाली में, और उसके बाद लास्ट में पीहू को कुछ कुछ लेना था, और तो उसके लिए मैं आइसक्रीम वगैरह लेने गई थी, दूध लेना था, दूध लेने गई थी। रात को ना बहुत कम दुकानें खुलती है, तो यहाँ पे हम दूध वगैरह लेते हैं, तो बस मम्मी बोली करके जाके ले आओ, तो वही मैं लेने गई थी। और इस तरीके से घूमते फिरते इन्जॉय करते मायके में मेरा दिन गुजर रहा है, और ये सब मेमोरी मैंने कैप्चर कर लिया कि पीहू जब बड़ी होगी तो देखेगी कि नानी के घर में कैसे इन्जॉय करवाता था उसका मामा। तो बस कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताएं, फिर मिलते हैं।